हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को। तो भाई जस्ट रेडी हूँ जिम के लिए और सिर्फ ड्राई फ्रूट खाने रहते हैं। बाकी मैंने स्वागत नहीं किया, तो स्वागत आपका एक नए ब्लॉग के अंदर। तो अभी खाएंगे ड्राई फ्रूट्स और फिर जाएंगे जिम। और टाइम पता क्या हो गया, 7:58 हो गए हैं। लाइट का फ़ोन आता है 20 मिनट पहले, सर कहाँ हो? मैंने कहा बोलो आप कहाँ हो? बोला मैं तो अभी उठा हूँ। मैंने कहा मैं भी अभी उठा हूँ। तो बोला ठीक, 8 बजे तक पहुँचते। तो 7:58 हो गए हैं भाई, 5-7 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं ड्राई फ्रूट खा के। तो फटाफट से आके जिम में मिलता हूँ सीधा। सो गाइस, पैदल पैदल निकल चुका हूँ मैं जिम के लिए, क्योंकि यार थोड़ी ठंड लग रही थी मेरे को। बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल का काम लग रहा था, तो मैंने सोचा पैदल चलते हैं आज। तो भाई पैदल जा रहा हूँ जिम। जिम में कोई नहीं आया आज? कैसे हो भैया? कैसे हो सर? एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। 6, 51, 5, वेरी गुड। 4 रेपिटेशन ऑफ वार्म-अप सेट, शाबाश। 3, 2, 1। चेस्ट का वर्कआउट हमारा हो गया डन। और भाई 10 बज गए सच बताऊँ तो, लेकिन आज शनिवार है और काम वाम कुछ कम ही होता है आज के दिन, लेकिन ऑफिस तो जाना ही है। तो अभी फटाफट से रूम पे जाएंगे और ऑफिस के लिए तैयार होंगे और खाने का देखेंगे क्या करेंगे भाई, क्योंकि ना तो मेरे पास एग है, सिर्फ ब्रेड और पीनट बटर है, तो बार बार मैं ये चीज़ नहीं खा सकता। तो लेट्स सी, पनीर ले लेंगे रास्ते से और आगे मिलेंगे। और ये अपने संदीप योगी भाई साहब, ये मेरे नाम राशि है, ठीक है? सूबेदार है भाई आर्मी में। उम्र कम लग रही होगी इनकी, लेकिन भाई जो दिखता है वो नहीं होता है कभी। इधर अपना कैमरामैन है, कैमरामैन का भी वर्कआउट हो गया। कैमरामैन ने आज पहली बार मेरे साथ वर्कआउट किया बहुत टाइम बाद, और बहुत बढ़िया, अच्छा भी लगा, बहुत बढ़िया वेट भी लिफ्ट किया लड़के ने भाई। लाइक कर दीजिए एक बार और वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो भाई मेरी नहीं मानते, भाई साहब की मान लेना यार, एक आध दो को नौकरी लगवा देंगे। तो भाई चलते हैं अभी आगे। राम राम। अरे तेरा डायलॉग डायलॉग तो सुनाओ लोगों को भाई। राम राम भाई साहब है। सो गाइस फाइनली अभी रूम पे पहुंचा हूँ मैं, और भाई वर्कआउट हो गया, बढ़िया मज़ा आ गया। और रास्ते से मैंने ले लिया सोया पनीर और अपना खजूर। तो अभी मैं सोच रहा हूँ सोया पनीर को ऐसे ही खाऊं ब्रेड के साथ में, या इसको जो पनीर भुजी टाइप बना के खाऊं। तो मेरा मन तो है वो पनीर भुजी टाइप बना के खाने का, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं। तो ट्राई करते हैं, जो जो मेरे पास सामान अवेलेबल है उससे बना लेंगे। और लेट भी हो रहा हूँ, पानी गर्म लगा देता हूँ साइड में, झाड़ू निकाल देता हूँ और अपना पनीर की भुजी बना लेता हूँ। सो भाई ना तो मैंने कभी भुजी बनाई और ना मेरे पास सामान बनाने के लिए। तो भाई मैंने तो नॉर्मल कर दिया, देखो पहले तो घी डाल दिया इसमें, फिर ऊपर से पनीर तोड़ दिया, झाड़ू भी निकल गया, पानी गर्म हो ही रहा है। तो भी फटाफट से पानी गर्म होने में कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट और लगेंगे, इतने में खा लूँगा अपने ब्राउन ब्रेड के साथ में पनीर और फिर सीधा नहा के निकल लेंगे ऑफिस। इजी सिंपल सा यार शेड्यूल मेरा, सिंपल सा लेकिन थोड़ा बिजी है। और दिन में मम्मी के जूते भी लेने जाना है यार, मैं तो भूल ही गया था, सारे काम करेंगे। ताकि थोड़ा सा टेस्ट आए। तो गाइज अपना ब्रेकफास्ट पनीर सैंडविच रेडी है, एक बढ़िया ऑप्शन है स्विच करने के लिए। भाई डेली सेम मील खा खा के बोर हो जाओ तो आप ये खा सकते हो, होममेड, लेकिन चीज़ें सारी बाहर की हैं। सो गाइज सैंडविच तो मैंने खा लिया था, लेकिन पानी गर्म फिर भी नहीं हुआ था, तो रोड लगी पड़ी थी उसके अंदर। मैंने सोचा यार आज शनिवार है, कल संडे है, तो घर जाना है कल, इसलिए मैंने क्या किया, ये सारे के सारे जो कपड़े ना पुराने वाले ये फोल्ड कर दिए, पुराने वाले इन द सेंस जो गंदे कपड़े हैं जो मैंने इस महीने यूज़ किए हैं, इस हफ्ते यूज़ किए हैं, तो ये धुलवा लेंगे कल, इनकी पैकिंग करके रख देता हूँ ताकि मेरे को कल ज़्यादा टाइम ना लगे। और आज मैं पहन के जाऊँगा ये वाले शूज़। भाई मेरे पास शूज़ बहुत हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 शूज़ तो हो गए मेरे पास जिम के लिए और एक ऑफिस के लिए। दिखाऊँ
अभी लेके आया था, अभी वाले मैं अभी लेके आया था ये वाले ऑफिस के, होके ये भी मेरे पास जिम के लिए, वो भी जिम के लिए, वो भी जिम के लिए। भाई मुझे बहुत शौक है जूतों का ना, जूते तो होने चाहिए, हर दिन अलग अलग पहन के जाओ भाई, अच्छे लगते हैं मुझे जूते, जूते और कपड़े ये तो होने चाहिए यार। और अभी फटाफट से पानी गर्म हो चुका होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यार फोल्डिंग करने में ज़्यादा टाइम लग गया। ये फोल्ड इसलिए करे मैंने, मैं ऐसे भी पैक कर सकता हूँ इनको, लेकिन जो बैग है ना मेरा वो छोटा है। अगली बारी देखेंगे बैग भी लेके आएंगे यार, जैसे भी होगा, पॉकेट जैसे अलाउड करेगी वैसे बैग भी लेके आएंगे। तो अभी फटाफट से इन कपड़ों को बैग में फंसाते हैं और कल के लिए रख देते हैं, ताकि कल उठते ही सीधा बैग उठाया और घर की तरफ हो लेंगे। अभी तो नहा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सो गाइस, ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हूँ मैं। और भाई क्या बात है, नई टी शर्ट, नया ही लोअर है और नए जूते हैं, जुराब भी नहीं है भाई, सारा नया है, सोच लो तुम। हाँ वहीं से भी नया हूँ। सो ऑफिस के लिए रेडी हूँ भाई, शनिवार आज, क्योंकि शनिवार तक मेरे जो ऑफिस वाले कपड़े वो गंदे हो चुके होते हैं, तो शनिवार को तो बिना ड्रेस के चलता है। तो अभी सीधा जाऊंगा ऑफिस। और मेरे को एक और चीज़ ध्यान आई है कि यार लास्ट टाइम ना पापा ने बाइक का बैग खोल लिया था, तो बाइक का बैग भी नया लगवाना है, क्योंकि अभी बाइक के ऊपर बैग नहीं है बिल्कुल भी। और ज़्यादा देरी ना करते हुए आज बहुत से काम निपटाने हैं, सारे के सारे करेंगे। सो गाइस, फाइनली रूम पे पहुंच चुका हूँ भाई, और टाइम हो गया है शाम के 5:42, और आज मैं टाइम से ही आ गया, क्योंकि काम नहीं था भाई ऑफिस में आज कुछ खास, तो मैंने सोचा रूम पे चलते हैं, अभी थोड़ी देर एडिटिंग करेंगे और फिर जाएंगे उसके बाद में जिम। सो गाइस, वीडियो एडिट हो गई है और तुम्हारा भाई हो गया एकदम जिम जाने के लिए रेडी। मोहित सर का फ़ोन आया था कि वो पहुँचेंगे 7:15, और 7:05 हो चुकी है, तो भाई 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा आराम से, पैदल जाऊंगा आज। और दिन में मैंने 2-3 काम बोले थे कि भाई एक तो बाइक को बैग लगवाना है और दूसरा मम्मी के जूते लेने हैं, तो भाई कोई सा भी नहीं हुआ, क्योंकि वैसे मुझे इतना कोई काम नहीं था आज ऑफिस का, लेकिन भाई वीडियो एडिट जो मैंने करी है ना आज, सच बता रहा हूँ, मतलब वीडियो जो थी 45 मिनट की थी, उसको काट काट के एडिट कर करके वो 19.5 मिनट की वीडियो बनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरा आज। तो जो काम आज करने थे, यानी कि अंडे भी लेके आने थे, मम्मी के जूते भी लेके आने थे, और अपना बाइक का बैग भी लगवाना था, तो कोशिश करें कल कंप्लीट कर दूँ दिन में, वो संडे है ना, कल घर जाने से पहले सारे काम कंप्लीट करने हैं मेरे को कल, जो जो हो जाएगा पॉसिबल होगा वो कर लेंगे, बाकी तो फिर सोमवार को कर लेंगे भाई, और क्या इलाज है। बाकी आई होप कि कल हो जाएंगे सारे के सारे। तो खैर अभी ज़्यादा देर ना करते हो भाई, हाफ फ्राई ऑमलेट मैंने बोल रखी है। सो गाइस, पैदल पैदल निकल चुका हूँ मैं जिम के लिए। भाई एक भाई मिला है, बहुत ही सच्चा सब्सक्राइबर है, इन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल वीडियो नहीं आ रही, भाई चैनल को अच्छे से चेक किया करो, वीडियो आती है, बेल आइकन दबा रखा है? हाँ दबा रखा है। भाई बड़ी खुशी हुई मेरे को जान की कोई तो अपनी वीडियो देखता है। मोहित सर इन द हाउस विद लंजिज। मोहित सर की फेवरेट एक्सरसाइज है ना, मोहित सर फेवरेट एक्सरसाइज है ना, फेवरेट। सॉरी गाइस, डिस्टरबेंस के लिए पीछे म्यूजिक चल गया था, तो अभी बाकी के लोग आएंगे थोड़ी देर में, मोहित सर की एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, और उसके बाद में मिलते हैं आगे, जैसे भी होगा दिखाते हैं। मोहित सर फ्री हो गए हैं, और पीछे चिराग भी आ चुका है, नीलामुद भी आ चुका है, शुभम भी आ चुका है, और नमन इधर कर रहा है बाइसेप्स कर्ल, लेग करनी है बेटे लेग। तो आज करना है हमने लेग्स का वर्कआउट, मतलब मेरा पहले सोमवार को भी तो हो चुका है और आज भी करूँगा, मैंने बोला था ना 2 बार करूँगा वीक में लेग्स, क्या बकलोलिया कर रहे हैं फालतू की, तो अभी इनको फटाफट से उठाते हैं और करते हैं लेग्स का वर्कआउट। लेग्स के वर्कआउट से पहले भी अपन करेंगे चेंज, सबसे पहले शॉर्ट्स लेके आया हूँ मैं, शॉर्ट्स डालेंगे। सो गाइस, वर्कआउट के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आज टंगड़ी करेंगे टंगड़ी। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body.
cause my messages are timeless, so they put them on display, oh yeah. तो गाइस फाइनली लेग का वर्कआउट हमारा हो गया डन, इन बाल को भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट, और सारे के सारे मेरे ख्याल से फ्री हैं। तो भाई अभी फटाफट से कपड़े करते हैं चेंज और कुछ खाने को चलते हैं। आज की पार्टी नीलामुज के नाम, धुंधला हो गया। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, और अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं कि क्या खाएंगे और कहाँ जाएंगे। बताया नहीं मुझे तुम लोगों ने, क्या करोगे गाड़ी छोड़ो, सीधा पहुंचाओगे भाई, देख लो कैसे लोग हैं। और ये तो रेलवे स्टेशन वाला रोड है। ओके गाइस, तो मुझे अभी पता चला है कि ये मेरे को छोले कुलचे खिलाने के लिए लेके आए थे, तो शुक्र है बंद है वो, मेरा मूड भी नहीं था खाने का, थैंक गॉड। अभी अब मोमोज तो नहीं भाई, कुछ नहीं, मैंने मोमोज जिंदगी में नहीं खाए भाई, टू बी ऑनेस्ट कभी नहीं खाए मैंने। तो अभी देखते हैं कुछ और खाने का ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आप लोगों को भी पता है कि भाई कब क्या खाया है, सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो भाई अभी हमें जो खुला मिला है वो मिला है क्या नाम, चाप जंक्शन। हाँ चाप जंक्शन मिला है खुला, तो यहाँ खाएंगे हम, और बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्ड नहीं है चाप। चाप रोटी चाप। रोटी चाप निकर में आया हूँ, अच्छा लगे दो कच्चे दारी। एक दिन में ट्राई किए थे 16 के 17 डिशेस। सो गाइस प्लान कैंसिल, हम नहीं खा रहे रोटी चाप, नहीं खा रहे, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, पूरी मार्केट हंडा दी। 24 आवर लाइव। हाँ ओके, मतलब मैं 24 घंटे ऐसी वीडियो बनाता हूँ, लाइव वीडियो बनानी, लाइव रहना है, लाइव रहना है यूट्यूब पे, लाइव रहना है यार। पहली बात तो मुझे यूट्यूब पे लाइव रहना नहीं आता, मैं दूसरी बात आऊंगा, मैं सिखाऊंगा देखो, दूसरी बोलो, मैं बाइक पे जा रहा हूं, तो मैं बाइक पे कैसे, फोन माउंट है, फोन माउंट वो टांग के रखूं उसको, बाइक फोन माउंट कर दो, देखते हैं भाई किसी दिन ये चैनल चैलेंज जो है एक्सेप्ट करेंगे, लेट्स सी। क्या हुआ फारिक अभी कितनी देर से फोन पकड़ रखा, हाथ दुख रहा है मेरा। तो भाई रोटी चाप ही खाएंगे, ये यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं चावला साहब। सुनो बताता हूँ, 100 likes कमेंट, 4 photos मेरे पास, कुछ तो हुआ है भाई, लगा लो ठीक ठाक, लगा लो ठीक ठाक। अब ये जो तुम्हारा पासवर्ड है वो रिवील हो चुका है यूट्यूब के ऊपर, पीपल विल कनेक्ट योर हॉटस्पॉट। इन दोनों ने मेरी बॉडी नहीं बनने देनी है, कुछ भी खिलाते रहते हैं। सो गाइस खाना खा लिया, और अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई बहुत भूख लगी थी, और वर्कआउट भी अच्छा किया मिला आज, और अभी आइसक्रीम खाने का दिल हो रहा है, अगर ये लोग लेके चले तो खा लेंगे, नहीं तो भाई अपने रूम पे शिमला में ना लड़ाई हो गई, निकल गिली हो चुकी, मतलब सारे कपड़े गिले हो चुके, जैकेट वाटर प्रूफ थी बच गया, वो न्यू था ना 1 to 6। सो गाइस नीलम्बुज ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, और हम जा रहे हैं लूना के ऊपर, लूना वही अपनी फॉर्चुनर, तो फॉर्चुनर पे जाएंगे हम अभी आइसक्रीम खाने, ठंड के अंदर देखो आइसक्रीम खाएंगे हम। बेवकूफी है क्या है? बेवकूफी नहीं है भाई, आ रहा हूँ अंकल, स्कूटी ला रहा हूँ। ओके अंकल कह रहे हैं गेट बंद कर रहा हूँ, जल्दी जो करना है जल्दी करो। सो अभी भाई बेवकूफ़ी नहीं, कई चीज़ें करने करनी जरूरी होती हैं लाइफ में, पहली बार बीमारी बुखार में खाया, और बुखार में आइसक्रीम खाई है, कोल्ड में मतलब, भाई मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी इतनी ठंड के अंदर आइसक्रीम खाने, मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई ऐसे, सच बता रहा हूँ। तो ज़िंदगी में एक चीज़ जो है हमेशा ट्राई करनी चाहिए भाई, आप भी करो। अब मैं समझ, अब मुझे ये देखना पड़ेगा जो तुमने बोला है वो इसमें क्लियरली आ रहा है, और फिर मुझे ये देखना पड़ेगा इसके बीप लगाने की जरूरत है। बिल्कुल है। सो भाई अभी जा रहे हैं हम 24x7 Sector 14 अपने रूम के पास में ही है, नीलम्बुज की लूना।
लूना नाम है ना फॉर्चुनर अपनी स्वैग तो दिखा दो फॉर्चुनर वाला लूना पे चल रही है भाई कैन यू बियर दैट फॉर्चुनर लोग यहाँ पर रहते भी ना जोलो चिप्स वही ना जो सबसे वो होती है मिर्ची वाली होती है आप खा लो ले रहा हूँ अभी यहाँ पे क्या है नीला मुझे कौन सी लेगा प्राइस बिल कटा नहीं हमने पहले खाना शुरू कर दिया भैया कह रहे हैं स्कैन नहीं मैं रैपर कर लेना कट गया फोन खोला हाथ खा लिया हमें छोड़ दिया और हम दूसरी हायबूसा पे जाएंगे तो अभी फटाफट से चिराग मेरे को रूम पे ड्रॉप करेगा उठा के भाई ओस जमी हुई थी ओस इन द सेंस वो नहीं होता बाहर सर्दी के टाइम में जब व्हीकल खड़ा होता तो पानी जम जाता है मैंने बिना चेक करे बैठ गया और मेरे को ठंडी ठंडी लग रही है नीचे से स्कूटी भाई चिराग ने मुझे छोड़ दिया मेरा जो रूम है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है और आज का जो व्लॉग है वो भाई जो जो मेरी लाइफ में हुआ वो मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के सामने रखा दिखाया आप लोगों को कि क्या क्या चल रहा है और भाई मेरी मेमोरीज भी सेव हो रही हैं जो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ ये मेरा स्ट्रगल टाइम है देख लो सच बताऊँ टाइम क्या होगा 12:35 और मैं अभी तक रूम पर नहीं पहुँचा हूँ जिम से फ्री हो गया खाना तो यार पता है क्या है एक मेन चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को चलते चलते कि भाई ज़िंदगी को जियो सारी चीज़ें करो फिजिकल एक्टिविटी रखो खाना खाओ यार किसने मना किया है वर्कआउट करो अब मैं 2 टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ सुबह भी शाम को भी अब मैंने कुछ खा लिया उठ पटांग तो भाई न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये यूटिलाइज हो जाएगा और मैं रूम पे पहुंच गया बस इतनी दूर था आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा ये रही अपनी बाइक आप आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा कल मिलते हैं संडे है कल बहुत से काम निपटाने हैं कल मिलते हैं बाय बाय